फ्रेंड्स, ये जो पौधा देख रहे हैं ये बहुत ही काम का पौधा है, असंख्य गुणों का भंडार है, इसमें बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत ही काम का वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे पुश कर दें। उसके बाद बेल आइकन पर जाएंगे तो ऑल पर प्रेस करेंगे तो आप तक मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। जो भी मैं वीडियो अपडेट करूंगी तो आप तक पहुंच पाएंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है, उसका कोई पैसा नहीं लगना है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और इस वीडियो में मैं आपको गिलोय का काढ़ा बनाना बताऊंगी, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये जो पौधा देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये गिलोय का पौधा है, इसमें असंख्य गुण पाए जाते हैं। ये बहुत सी बीमारियों को से हमको बचाता है। और आप तो जानते ही होंगे कि गिलोय का यूज़ करने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है गिलोय का पौधा। ये देखने में इसके पत्ते पान की तरह होते हैं और इसकी जो ये लकड़ियाँ हैं, गिलोय की लकड़ियाँ, इसका काढ़ा पीने से आपकी कई बीमारियाँ दूर होंगी। आज का तो आधा पैसा इंसान का दवाइयों में ही चला जाता है, तो आप इसका यूज़ करें, गिलोय का काढ़ा बनाना। इसमें बताऊंगी फ्रेंड्स, गिलोय की घर से मैंने स्टोर करके ले आई थी ये लकड़ियाँ। वहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, मुंबई में तो मुझे मिल नहीं पाता है, प्लांट तो मिल जाता है लेकिन इसकी लकड़ियाँ नहीं मिल पाती। तो ये गिलोय की लकड़ियाँ आप ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती हैं, नॉर्मली ऐसी हवा में रखे रहने दें, टोकनी वगैरह में। ये आपको भले लग रही होंगी कि सूखी हैं, लेकिन देखिए मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिया है, ये हमारी सूखी नहीं है, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, तो इसका हमारा अच्छे से काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा। ये मेरा डेली का रूटीन है, इस तरीके से मैं काढ़ा बनाती हूँ। इतने से मेरा 3 कप, आधा आधा कप ही पीना पड़ता है, ज़्यादा नहीं पीना है इसका। ये इतने से मैं 3 लोगों को काढ़ा बनाती हूँ। अभी छोटे छोटे गिलोय की लकड़ियाँ काट लिया है और उसमें 1 गिलास फुल पानी इसमें ऐड कर दिया है। इसको ढककर हम ओवरनाइट के लिए रख देते हैं, 5 से 6 घंटे अच्छे से फूल जाती हैं लकड़ियाँ, तो अच्छे से इसमें पूरा ये गिलोय का रस उतर जाता है। मॉर्निंग में इसको हमने खोलकर देखा तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसमें पूरा रस उतर गया है। अब इसको हम उबलने के लिए रख देते हैं, करीबन 5 से 6 मिनट इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर अच्छा पकाएँगे, जब तक कि इसका जैसे 1 गिलास पानी का या आधा गिलास ना हो जाए, तब तक हम इसको उबालते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसको काढ़ा बनाएंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गिलोय हमें हर चीज़ से बचाता है, सर्दी, खांसी, कफ, एलर्जी, अस्थमा, स्वाइन फ्लू, डेंगू, कई खतरनाक बीमारियों से हमको बचाता है। चिकनगुनिया की बीमारी इसको भी दूर करता है, जिसके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, डायबिटीज़ की जिसको प्रॉब्लम है, कई तरह की इन्फेक्शन को हमें ये जड़ से मिटा देता है। इसका काढ़ा ये देखिए क्वांटिटी में आधा हो गया है, तो अब इसको हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, हल्का गर्म रहेगा तभी हम इसको पियेंगे, ज़्यादा गर्म में नहीं पी सकते। बस आप इसको खाली पेट ही पिएं, आधा आधा कप सफिशेंट होता है, पीने में भले कड़वा लगता है लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। यदि आप लाइफ टाइम इसका यूज़ करेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी फीवर नहीं आएगा, सर्दी जुकाम आजकल की तो नॉर्मल सी परेशानी हो गई है, वैसे भी अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना के चलते सर्दी जुकाम यदि थोड़ा सा भी होता है तो हम डर जाते हैं। तो आप इसका डेली पर्पस में यूज़ करेंगे तो आपको सर्दी खांसी से बचाएगा। कुछ कुछ लोगों को होता है कि 10 से 15 दिन में ही सर्दी कुछ जुकाम, हल्का सा भी मौसम चेंज होता है तो सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, हल्की सी ठंडी हुई तो सर्दी जुकाम हो जाता है। तो आप इसका काढ़े का बनाकर यूज़ करें, आपको देखना सब बीमारियों से बचाएगा। गिलोय इतना ज़्यादा उपयोगी है कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी को ये पूरा दूर कर देता है। इसके साथ ये भयंकर अर्थराइटिस जैसी खतरनाक बीमारियों से हमको छुटकारा मिलता है, यह हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है और सर्दी खांसी नहीं होने देता। गर्मी के दिनों में ये प्रॉब्लम होता है कि लोगों को थोड़ी से में ही पेट दर्द, लूज मोशन या वोमिट होने लगता है, तो ऐसी समस्या हो तो आप इसका डेली पर्पस में यूज़ करें। ये आपको नर्सरी में भी मिल जाएगा, ये पौधा ऐसा मिलेगा, तो आप इसको जैसे नॉर्मली हम घर पर मनी प्लांट लगाते हैं, कहीं भी बालकनी या खिड़की के किसी भी छोर पे हम फंसा देते हैं तो मनी प्लांट की बेल फैलती जाती है ना, उसी तरीके से आप इसको घर पर लगा सकते हैं, या आप खेत या बगीचे में भी इसको किसी भी पेड़ से, जैसे नीम का पेड़, कड़वी नीम या आम के पेड़ के पास लगा देंगे तो उससे वो लपेटता हुआ बड़ा हो जाएगा।
इस तरीके से आप इसको घर पर भी लगा सकते हैं। बहुत ही उपयोगी पौधा है फ्रेंड्स, ये कभी भी आसानी से कहीं भी उग जाता है। आप इसको थोड़ा सा भी कहीं भी तना या डंडी फंसाएंगे ना तो ये आसानी से उग जाता है, ऐसा नहीं कि उसको प्रॉब्लम होता है। और ऐसी बेल इसकी चढ़ते हुए बढ़िया सा पौधा तैयार हो जाता है। गिलोई का पौधा यदि कड़वी नीम से लिपटा हुआ होगा, उसे गिलोई की लकड़ी का काढ़ा बनाकर पियेंगे तो आपकी शुगर की 100% बीमारी को जड़ से मिटा देगा। तो क्योंकि वो जो नीम के पेड़ में लगी हुई जो गिलोई का पौधा होता है उसमें भले थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है, लेकिन उस वो शुगर की बीमारी को जड़ से मिटा देगा। यदि आपको वो मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल गिलोई आपको मिल जाए। ये बहुत ही उपयोगी है, हम लोग डेली इसका यूज़ करते हैं। इसकी पत्तियाँ देखने में इस तरीके की लगती हैं। ये पौधा बढ़ता जाता है तब उसकी मोटी डगालें बन जाती हैं। उसका आप यूज़ करें जब ये इसका थोड़ा सा मोटी डंडियाँ हो जाएं, उसके बाद ही आप बनाएं यूज़। गिलोई को कई नामों से जाना जाता है, अमृता, गड़ो, गिलोई, गुड़बेल और अमृतवल्ली, इसके कई टाइप के नाम हैं जिसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। गिलोई पीने से मोटापा नहीं आता है और ये कैंसर नाशक होता है। इस तरीके की ऐसी लपेटते हुए इसकी ऐसी बेल तैयार हो जाती हैं, फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इस पौधे की पत्तियाँ देखने में पान की तरह होती हैं, इस तरीके की इसकी लकड़ियाँ हो जाती हैं, तो इसका हम काढ़ा बनाएंगे। पतली वाली लकड़ियों की तो काढ़ा बनना मुश्किल है, और इसका आप पियेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही गुणकारी है। ये बहुत ही अच्छा है और कोरोना के टाइम तो इम्यूनिटी बूस्टर है बहुत बड़ा। कोई भी मेडिसिन भी खा रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।